जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कॉस्टल भर्ती 2019 की बात करेंगे और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कॉस्टल भर्ती में ग्रुप एफ की बात करेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि अब ज्वाइनिंग का समय चल रहा है आरपीएफ कॉन्स्टेबल का, उसके पहले ही आरपीएफ कॉन्स्टेबल भर्ती के ग्रुप एफ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है और दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देंगे। दोस्तों जानकारी ये है कि आपको पता ही होगा कि टोटल भर्ती जो निकलती है तो 6 ग्रुप में निकलती है, जिसमें से 5 ग्रुप आरपीएफ के रहते हैं और 1 ग्रुप दोस्तों आपका आरपीएसएफ का रहता है। और दोस्तों नियम ये था कि 5 साल सेवा देने के बाद आरपीएसएफ वालों को जवान जवानों को भी आरपीएफ में जाने का मौका मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आपको ज्वाइनिंग से लेकर लास्ट रिटायरमेंट तक अब आपको आरपीएसएफ में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों ये डिसीजन बोर्ड द्वारा ले लिया गया है, तो इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी पूरी डिटेल से देंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको न्यूज़ दिखा देते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा लें, जिससे आपको आरपीएफ कॉस्टल से संबंधित पूरी जानकारी पल पल मिलती रहे। अब दोस्तों देख लीजिए न्यूज़पेपर में क्या निकला है। दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें दोस्तों आपका आरपीएफ कॉन्स्टेबल के साथ साथ आरपीएफ एसआई का भी यही नियम पूरा लागू हो जाएगा, तो एसआई वाले भी अब सतर्क हो जाएंगे, उनको भी अब आरपीएफ में जाने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या जानकारी है कि पहले मैं आपको बताया ही था कि 5 साल सेवा देने के बाद अगर आप चाहें तो आरपीएफ की नौकरी छोड़कर, मतलब वहां से आप ट्रांसफ़र करा के आरपीएफ में चले जाते थे जवान, लेकिन अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देख लीजिए आप इसमें अच्छे से लिखा है कि आरपीएफ में 5 साल तक सेवा देने के बाद जवान अपनी इच्छा से आरपीएफ में चले जाते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा इस पॉलिसी को अब बंद कर दिया गया है। अब कोई भी जवान आरपीएफ को छोड़कर आरपीएफ में नहीं जा पाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है, शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी जो ग्रुप एफ वाले अभ्यर्थी हैं, अगर जैसे उनका ज्वाइनिंग हो जाता 5 साल नौकरी करने के बाद, अगर वो चाहते तो आरपीएफ में शिफ्ट हो जाते आरपीएसएफ को छोड़कर, लेकिन दोस्तों अब इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि आपको ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक आपको आरपीएफ में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों यही जानकारी थी और आप देख लीजिए इसमें बताया गया है दिल्ली में जो सोमवार को मीटिंग हुई थी, यानी जो सर्वे चल रहा था आईजी का, आप देख लीजिए पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से, तो उसी में डिसीजन लिया गया है। और आप देख लीजिए बहुत सारी खुशखबरी भी है, आप इधर देख लीजिए नियमित छुट्टी मिल रही है, छुट्टी में कोई परेशानी आपको नहीं है। लेकिन दोस्तों जो पॉलिसी थी कि 5 साल बाद आपको आरपीएफ में जाने का मौका मिल जाता, लेकिन वो पॉलिसी को अब बंद कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी हमें आपको देनी थी कि अब आपके लिए पूरा जितनी भी आप नौकरी देंगे तो पूरा आपको आरपीएफ में ही रहना पड़ेगा, आरपीएफ में जाने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे सभी को जानकारी मिल जाए। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।